सो यो गाइस, कैसे? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम ताजे फ्रेश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो गरीना सस्ते नशे कर रहा है, बहुत ओपी वाले, जिसकी वजह से हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कस्टम नहीं खेल पा रहे बिल्कुल भी। मैं समीर भाई के साथ नहीं खेल पा रहा, आप अपने फ्रेंड लिस्ट के बंदे के साथ नहीं खेल पा रहे हो, तो वही मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक जो है वो बताऊँगा, आपकी जो मतलब जो बंदे हैं आप उनके साथ खेल सकते हो। तो गाइस, देख सकते हो कितने बंदे आज ऑनलाइन है। मेरे पूरे फ्री फायर के करियर में मैंने इतने बंदे को ऑनलाइन नहीं देखा, और मेरी फ्रेंड लिस्ट बहुत ही ज़्यादा भरी है। तो देख सकते हो गाइस, बहुत बंदे ऑफलाइन है, क्या पता ये ऑनलाइन है पर दिखा नहीं रहे हैं, ऐसा गरीना का लोचा है। तो आज ये सॉल्व करने मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो देखो गाइस, मैं हर किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ पर कोई आने से तो रहा, क्योंकि सब ऑफलाइन है। सुबह के अभी 6 बज रहे शायद, तब सुबह के 6 बजे कौन खेलता है भाई तो लॉल। तो देखते गाइस, इसकी ट्रिक जो है ना बहुत ओपी है गाइस, 2 ट्रिक है। और पहली बता दूं गाइस, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी करूँगा नहीं, और पहली बता दूं, एक गिल्ड है और एक टीम कोड है, टीम कोड से बुला सकते हो, गिल्ड से भी बुला सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर बढ़ेंगे जो गाइस आपके, जो मेरे जैसे समीर भाई है, आपका कोई भी फ्रेंड लिस्ट का बंदा है, अगर वो कोई भी हो आपकी गिल्ड में है, तब आप उसको इनवाइट कर सकते हो। तो भाई बोलोगे कैसे, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो गाइस, ये समीर भाई ऑफलाइन है, अभी तो ऑफलाइन है, लेकिन प्रदुमन भाई अभी ऑनलाइन है। तो देखो गाइस, ये समीर भाई हमारे, तो ये अभी ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन रहेंगे तो यही ट्रिक से मैं उनको बुला लूँगा। तो ट्रिक पर बढ़ते हैं गाइस। देखो इधर जो झंडा है, इसको वर्ल्ड से हटा के गिल्ड में सेंड कर देना इजीली। तो देखता हूँ गाइस कौन आता है, प्रदुमन भाई आ जाए तो बहुत ओपी। तो देखो गाइस, आ गया प्रदुमन भाई, को कुछ खबर नहीं है, वो तो बार बार लिख के भेज रहे कि कस्टम मना निंजा 1v1 करेंगे डेजर्ट ईगल लोनली। तो भाई, तो मैं बोल रहा था गाइस, मैं इनको बोल ही नहीं पाया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इनको बोला टीम कोड। ये देखो गाइस, अभी लिखेंगे कस्टम, तो मैंने इनको लिखा टीम कोड से आओ, मतलब कि मैं बंदे लोग को ये भी दिखा दूं कि टीम कोड से कैसे आना है बंदे लोग को। तो देखो गाइस, इन्होंने लिखा कस्टम बना 1v1 करते, तो मैं इनको निकाल दियो टीम कोड बना के, मैं बोला टीम कोड दूंगा उससे आएंगे, पर ये बार बार ऐसे ही आ जा रहे थे गाइस। तो मैंने बनाया न्यू अकाउंट और उधर लिखा मैंने टीम कोड अपना, तो मैंने इसको टीम कोड दिया, तो ये बंदा समझ रहा है कि ये उसकी आईडी है, कस्टम की आईडी। अभी निंजा पासवर्ड देगा तो हम लोग कस्टम खेलेंगे 1v1 ओपी वाला करेंगे। प्रदुमन भाई को कुछ खबर नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, वो बहुत देर तक ऐसे ही मैं खड़ा रहा, मैं बोला भाई कब आएंगे, रूम आईडी समझ रहे कब से होगा अपने इसको। तो रूम आईडी समझते समझते उनका दिमाग में कुछ आया कि निंजा ने टीम कोड बोला था, तो मैं टीम कोड ही होगा, वो मैं टीम कोड से ही जाता हूँ। तो देखो, मैं इधर लिख रहा था टीम कोड, ये भी टीम कोड है। तो देखो गाइस, तुरंत ही पहुंच गए प्रदुमन भाई, फिर मैं लॉल करने लग गया उनके साथ। तो गाइस, यही वो ट्रिक है, टीम कोड से भी बुला सकते हो आप अपने बंदे को, जैसे प्रदुमन भाई हो गए, समीर भाई हो गए, बहुत सारे बंदे हो गए, तो आप टीम कोड से बुलाओ या अपनी गिल्ड में जो मैंने ट्रिक बताया उससे बुलाओ। तो गाइस देखो, मैं गिल्ड से एक और बार आपको समझा दूं गाइस। तो इधर मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम था, इशू, तो मैंने इधर करा ड्यू, फिर ये क्लैन ऑलरेडी एग्जिट आया। तो देखो गाइस, ये झंडे को पहले दबाना है, तो वर्ल्ड से हटा के गिल्ड में सेंड कर देना, तो आपका जो भी गिल्ड का बंदा रहेगा वो अगर झंडे को दबाएगा तो आपकी ग्रुप में आ जाएगा। तो भाई, यही वो ट्रिक थी, पर अभी प्रदुमन भाई आ नहीं रहे, यही वो ट्रिक थी गाइस जिससे आप अपने बंदे के साथ खेल सकते हो, और ये गरीना बहुत जल्द फिक्स कर देगी। तो गाइस, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस। It's caught in the crossfire.